ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र की भिमंडी में कल शाम 7 बजे एक इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर गई। 4 मंजिला इमारत गिरने से 10 से 11 लोग मलबे में दब गए हैं, मगर 5 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अभी भी 4 से 5 लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ये 4 मंजिला इमारत भिमंडी के शांति नगर में गिरी है। इस इमारत में लगभग 26 परिवार रहते थे। अवैध रूप से बनाई गई ये इमारत करीब 8 से 10 साल पुरानी थी। इमारत गिरने का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। कल शाम को इमारत के खंभों में दरार पड़ने लगी थी, जिसके बाद मनपा ने इस इमारत को खाली करवा दिया था, मगर कुछ लोग अपने ज़रूरतों के सामान इस इमारत से निकालने के लिए अंदर गए थे, तभी ये हादसा हुआ। देखिए किस तरह से ये इमारत गिरी है। आठ से दस साल पुरानी अवैध रूप से इमारत बनाई गई थी, जो किस तरह से गिर गई। हालांकि मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। घटना स्थल पर NDRF की टीम, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि मुंबई, ठाणे के शहरों में अक्सर इमारतें गिरने की खबरें सामने आती हैं। धोखादायक इमारतों पर मनपा द्वारा नोटिस तो लगा दिया जाता है, मगर इस इमारत में रहने वाले लोगों के आगे सवाल खड़ा हो जाता है कि अब वो इमारत को खाली करके जाए कहाँ। धोखादायक इमारतों में रहने वाले लोग इमारत को खाली नहीं करते हैं। सरकार द्वारा जो रीडेवलपमेंट योजना थी उसे भी लाना अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लोगों के पास रहने की जगह नहीं होती है, इसलिए ये धोखादायक इमारतों में रहते हैं और इन्हें खाली नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इन इमारतों के गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा होता है और लोगों की जान चली जाती है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।